है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास जिले में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले के सभी विकास खंडों में योग कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम इंडस्ट्रियल पार्क टाटा चौराहा देवास इंदौर रोड पर आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास के लिए बड़ी संख्या में शामिल होकर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के पहले जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। प्रतिभागियों ने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष वीडियो संदेश देखा। इस अवसर पर बताया गया कि योग मन की शांति, बुद्धि एवं शरीर के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें नियमित रूप से प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग मन व चित्त की एकाग्रता को बढ़ाता है तथा शरीर को स्वस्थ, निरोगी तथा में दीर्घायु बनाता है। सर बताइए, आज योग दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर प्रोग्राम आयोजित हुआ स्पोर्ट्स पार्क में, क्या मानते हैं आप, कितना जरूरी है योग? और सीएम साहब का और पीएम महोदय का भी इससे पहले उद्बोधन हुआ और देवास के स्पोर्ट्स पार्क में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देवास के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इवन यूएन में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में आज देवास में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमारे योग गुरु राजेश बैरागी जी के मार्गदर्शन में आज हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया है। इससे एक तरफ बहुत अच्छा मैसेज तो जाएगा ही कि हमें किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना होता है, साथ में जो हमारे युवा हैं वो किस प्रकार से योग से अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रेरणा आज योग गुरु जी के द्वारा दी गई है। तो इसी के लिए मैं चाहूँगा जितने भी देवास जन हैं, देवास के नागरिकगण हैं, वो सभी हमारे राजेश गुरु जी जैसे प्रबुद्ध जनों से प्रेरणा लें और सब लोग रोजाना योग करें। एक दिन तो आज योग दिवस मनाया जाता है, लास्ट डे हमारा सवाल है, 364 डेज और इसको प्रमोट क्या प्रशासन भी करेगा आने वाले? हाँ, प्रयास करेगा कि आयुष विभाग के माध्यम से योग को हम और प्रमोट देवास जिले में करें। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईबीएन 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।